ऐसा नहीं, इसका भी पंजाबी में लिख देना चाहिए। वैसे वो लिखा होता है गोल्डन टेम्पल में स्वर्ण मंदिर मेला, ऐसे पंजाबी में लिखा होता है, लेकिन मीनिंग पंजाबी में नहीं लिखता। इसका एक पंजाबी में भी अलग से नाम लिख देना चाहिए, जैसे हरमंदर साहब मेला या दरबार साहब मेला। मान के चलो 7.5 से 8 घंटे के बीच में डिले है ये गाड़ी, और अब आइए जयपुर जंक्शन पे, अमृतसर हावड़ा में। 5 साल बाद इंडिया आए हैं आज, कोविड के पहले से चाइना गए हैं, उसके बाद अब आए हैं। सबसे जो बेकार जो खाना अभी तक का मैंने किसी ट्रेन के पैंट्री में से खाया, वो इसको कह सकते हो आप लोग। कुछ तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो भैया अभी घर से ही निकला हूँ, जस्ट मतलब काफ़ी टाइम बाद अपने घर से कोई जर्नी स्टार्ट करूँ, काफ़ी टाइम मतलब इतना भी नहीं होगा, लास्ट टाइम नवंबर में शुरू की थी, अभी जनवरी 2024 में शुरू करूँ। मान के चलो 2024 की मेरी ये पहली जर्नी शुरू हो रही है अपने घर से ही। नमस्कार सत श्री अकाल, मैं इंद्रजीत अभी लुधियाना से ही एक और जर्नी, यहाँ से जाऊँगा मैं मुंबई सेंट्रल। अभी इस साइड से ही चलता हूँ आगे को, और ये एक तरह से टेम्प्रेरी वेटिंग हॉल ही है बाहर, एक तरफ बेसिकली अंदर भी है वेटिंग रूम तो अंदर है, और ये एक तरह से बाहर ही है, एक तरह से वेटिंग मुसाफिर खाना आप इसको बोल सकते हैं एक तरह से। अभी उस साइड पे अमृतसर हावड़ा मेल लगी, इसका जनरल कोच देखो भाई, कितना बुरा हाल हुआ पड़ा यार जनरल का। और गाड़ी जो है ना अपनी, वही अपनी लेजेंडरी ट्रेन 12904 अमृतसर से मुंबई सेंट्रल के जाने वाली डेली ट्रेन गोल्डन टेम्पल अक्का, जिसको फ्रंटियर मेल भी बोलते थे पहले के टाइम पे, क्योंकि एक गाड़ी पहले पाकिस्तान तक जाया करती थी। काफ़ी इतिहास छुपा है इस ट्रेन का, आप आज़ादी से पहले की ट्रेन चल रही है अभी, मान के चलो इस ट्रेन को, इसको 1928 से ऑपरेशन कर रही है गाड़ी, और अभी 2028 में इससे 100 साल पूरे हो जाएंगे, तो मान के चलो 96 साल हो चुके हैं इसको ऑपरेशन करते हुए, तो इतनी पुरानी गाड़ी है ये। अभी वैसे पूरे 9 बज चुके हैं, और गाड़ी उस साइड में उसकी लाइटिंग मेरे को दिखनी शुरू भी हो चुकी है, चलो लगभग टाइम पर ही आ रही है गाड़ी। फिर भी देखो मैंने गाड़ी वैसे आप लोगों की डिमांड पे ही करा, मैंने काफ़ी टाइम पहले पोल किया था कि आप कौन सी जर्नी देखना पसंद करोगे यूट्यूब पे, कि मैंने हिमसागर का ऑप्शन डाला था और इसका डाला था, आप लोगों ने यही बोला कि गोल्डन टेम्पल करेंगे, तो बस उसी की बुकिंग करवा ली थी मैंने। मैंने आज इसी में करवाई थी, और कन्फर्म तो चलो हो ही जानी थी, और मैंने करवाई थी एक्चुअली में एंड टू एंड अमृतसर से करवाई थी बुकिंग, मैंने सोचा था अमृतसर से चढ़ूंगा आराम से, लेकिन फिर बाद में मेरा प्लान चेंज हो गया, कल मैंने बोर्डिंग चेंज करवाया, फिर अभी लुधियाना से ही बोर्ड कर रहा हूँ। तो आ गई भैया गाड़ी अपनी वडोदरा वेब 7 के साथ, स्वर्ण मंदिर मेल। यही है भाई A2 है मेरा कोच, वैसे भी सामान रखे हैं एक्चुअली, मेरी सीट ना एक तो है 37 है, तो वो कोई लेटे हुए तो बोल रहे आप ऊपर चले जाओ अभी के लिए, अंबाला तक हम उतर जाएंगे, और उन लोगों ने एक्चुअल में जाना सहारनपुर, तो उनको अंबाला उतरना पड़ेगा। अब रीज़न क्या है, वैसे टाइटल में मैंने लिख दिया ऑलरेडी कि ये गाड़ी डाइवर्ट होकर जाएगी आज एक्चुअल में, वैसे जो नॉर्मल रूट इसका जो है वो यहाँ से अंबाला डायरेक्ट सहारनपुर मुजफ्फरनगर मेरठ होकर फिर सीधा या गाज़ियाबाद होकर निज़ामुद्दीन से मथुरा, वहाँ से फिर जो सवाई माधोपुर वाला रूट, सवाई माधोपुर तो ये जाएगी आज, और मतलब बेसिकली देखा जाए सवाई माधोपुर ये जाएगी, गंगापुर सिटी नहीं जाएगी, अम्बाला से लेकर सवाई माधोपुर तक ये डाइवर्ट है आज के दिन में, और ये गाड़ी अब जाएगी यहाँ से सीधा दिल्ली, मतलब देखा जाए तो दिल्ली कैंट जाएगी, दिल्ली कैंट से फिर जयपुर जाएगी, जयपुर से रिवर्सल लेकर सवाई माधोपुर आएगी, और फिर वहाँ से रिवर्सल लेकर फिर जो अपना एक्चुअल में रूट था वहाँ से जाएगी, तो इसका कुछ इस हिसाब से रूट डाइवर्ट है। मैंने CR राजधानी के पार्ट 1 में ही बोला था कि जो मथुरा के आसपास काम चल रहा है तो और भी हो सकता है कई गाड़ियाँ डाइवर्ट हैं या कैंसिल भी की गई, जैसे मुंबई दुरंत तो भी फेब के फर्स्ट वीक तो कैंसिल है, बांद्रा युवा वो भी कैंसिल पड़ी हुई है। अब मैं हैरान इस बात से हूँ कि जैसे एक गाड़ी तो मतलब जयपुर होकर जाएगी रेवाड़ी से जयपुर, वहाँ पर तो मतलब जो हाई राइज पेंटोग्राफ वाले जो लोकोमोटिव वो चलते, इसका तो नॉर्मली पेंटोग्राफ है, तो क्या रास्ते में आई थिंक लोगों को चेंज करेंगे ना, मेरे को इसी बात का सस्पेंस अभी देखने वाली बात है, तो यही बात मेरे को देखनी आगे चल के चेक करूँगा। हाँ हो सकता है इसका दिल्ली कैंट से लोगों को चेंज कर दे, या ओल्ड दिल्ली से रिवर्सल भी दे सकते हैं, वैसे मेरे को मैसेज आया था दिल्ली कैंट से होकर के जाएगी, बाकी सिग्नल हो गया, चलो भाई अंदर ही चलता हूँ, चल ओके फिर बाकी चलो। 9:16 हो रहे हैं और 6 मिनट बाद डिपार्चर हो रहा है इसका, 9:10 का एक्चुअल में डिपार्चर था। अब
कि चलो गाड़ी निकलते ही गाड़ी ने तो मतलब थोड़ा बहुत स्पीड अप करना शुरू कर दिया। अभी मैं वैसे इस साइड में आया था, आई थिंक ये कोई सीट है 15-16 के आसपास, मेरी वैसे सीट है 37 उस साइड में, मैं इधर आ गया था अभी क्योंकि मेरी सीट पे कोई मतलब सोए हुए थे, वो कह रहे थे कि आप अभी एडजस्ट कर लो, अंबाला में हमें उतर जाना है। पूरा खाली पड़ा, पूरा दोनों सामने वाली भी खाली पड़ी हैं, और मतलब खाली का मतलब ये नहीं कहूँगा कि वैसे कई सीट्स इसकी ऐसे अभी खाली जा रही हैं। और मैंने देखा जब इसका चार्ट निकला था तब अमृतसर से रतलाम तक की, और अमृतसर से रतलाम ज़्यादा नहीं निकली थी, अमृतसर से कोटा के लिए फर्स्ट एसी को छोड़ के बाकी सभी क्लासेस में करंट निकली है, स्लीपर तक में भी करंट की सीट्स निकल जा रही हैं। तो ये थोड़ा है आज के टाइम पे निकले, हो सकता है आज डाइवर्ट हो तो उस वजह से, क्योंकि निज़ामुद्दीन या मेरठ वालों ने ना इतना बुकिंग हो, उनका बुकिंग कैंसिल हो गया हो, क्योंकि मैंने खाना वगैरह खाना था तो मैंने सोचा इधर ही आ जाता हूँ, अभी उनको सोए रहने दो, जब अंबाला आएगा तब आराम से अपना बेडिंग लगाऊंगा और सोऊंगा। ढिंडारी खाना पे आगे रुकी थी कि मैं चलो रोटी और सब्जी घर से ही ले आया था, वैसे बेसिकली ये घर से नहीं मनाई, ये अभी मैं जैसे रास्ते में आ रहा था तो रास्ते में से किसी कहीं से पैक करवाई है मैंने रोटियां चार, और सैलड भी डाल दिया था उन्होंने, सब्जी मैंने घर से लेकर आया था। तो यही होता है यार इस टाइम पे, एक्चुअली मेरी प्लानिंग भी ना ऐसे जल्दबाजी में ही होती है, उस वजह से तो उसी वजह से ये सब चीज़ें ऐसे करनी पड़ती मेरे को। बाकी साफ़ सफाई तो देखो, बाकी यही है इस कोच का सेकंड एसी का इंटीरियर अच्छा है वैसे, मैंने देखा है बेडिंग इन लोगों ने ऑलरेडी ऊपर रखी हुई है ताकि आपको अलग से मांगनी ना पड़े, पिलोस ब्लैंकेट सब चीज़ एक अप टू डेट है इस गाड़ी में, और साफ़ सफाई भी बिल्कुल अच्छी है, मेरे को कुछ भी इसमें नीचे गिरा हुआ नहीं दिख रहा। और भी थोड़ी देर पहले जो इसकी हाउसकीपिंग स्टाफ है वो अपने साथ एक जो बड़ा सा पॉलीथीन लेकर आते हैं ना, तो एक एक राउंड मार के जा रहे हैं ताकि कुछ नीचे पड़ा ना हो, तो साथ ही में उसको उठा के पॉलीथीन में डाल के लेके जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी लगी मेरे को इस गाड़ी की ये पिकअप। लो बॉस, लगभग 8 मिनट डिले है पहले हॉल्ट, लुधियाना से देखा जाए तो अंबाला कैंट अब आ रही है। चलो वैसे 11:03 हो रहे, 10 मिनट से ऊपर हो गया अब इसको यहाँ पर आते हुए, जहाँ वैसे इससे पहले तक गाड़ी बिफोर आ रही थी यहाँ तक, पता नहीं क्यों यार्ड में भी इसको 10 मिनट रोक दिया, और मतलब उस वजह से हो सकता है डिले हो जाएगी, तो बिफोर भी आ सकती थी, इसको टाइम ही इस हिसाब से दिया हुआ लुधियाना से अंबाला एक तो आती भी 130 है ना, और अभी तो इसके बाद भी डाइवर्टेड है ना, तो यहाँ से आगे भी 130 ही मारेगी क्योंकि दिल्ली होकर जाना है उसने, जहाँ तक मुझे लगता है ये जो दिल्ली आज़ादपुर मंडी, दिल्ली आज़ादपुर है उसके वहाँ से बाईपास लाइन राइट साइड निकलती है ना, जहाँ से जम्मू दुरंतो जाती है, तिरुपति हमसफर जाती है, ये वही वाला रूट पकड़ेगी और वहाँ से फिर सीधा ओल्ड दिल्ली तो जाएगी नहीं, मेरे को पहले लगा था कि ओल्ड दिल्ली से रिवर्सल लेगी, लेकिन वो जरूरत ही नहीं है इसको, सीधा वहीं से दिल्ली कैंट होकर सीधा रेवाड़ी निकलेगी अभी ये गाड़ी। वो आज इसकी अभी अनाउंसमेंट हो रही कि ये गाड़ी सहारनपुर नहीं जाएगी। चलो अब अंबाला से ये चीज़ है कि मेरी सीट जो है ना वो सब खाली हो चुकी है, अब यहाँ से मुझे नहीं लगता और कोई आएगा, क्योंकि जो को पैसेंजर थे उन लोगों की तो सहारनपुर तक थी, सहारनपुर के बाद ही कोई ना कोई आएगा, बाकी बैडिंग वगैरह अपने ही लगाता हूँ यार, ये वाली अभी इधर उधर ही करनी पड़ेगी मेरे को। चलो अब गाड़ी तो निकल गई अंबाला कैंट से, ज़्यादा रुकी तो नहीं थी, अब गाड़ी सहारनपुर वाली लाइन को ना जाते हुए, चलो अब हमारी गाड़ी सहारनपुर वाले रूट को नहीं जाएगी, और यहाँ से अब इसी रूट को पानीपत वाला रूट पकड़ेगी यहाँ से। उधर जम्मू राजधानी एक्सप्रेस ये भी स्किप करने जा रही है अंबाला कैंट,
चौथी राजधानी है यही सरूर की। चलो बाकी जैसे ही अम्बाला निकले ना, मैं हैंग टॉवल ले आया था, मेरे को उन्होंने दे दिया था, वैसे इसमें बेडिंग में दिया नहीं हुआ उन लोगों ने, अलग से लेना पड़ेगा। बाकी चलो अब आपसे कल ही सुबह मिलता हूँ, थोड़ी बहुत नींद पूरी कर लेता हूँ। चलो एज्यूम करके मानता हूँ कि सुबह तक मेरी जहाँ आपसे यहाँ रेवाड़ी है जयपुर के बीच में कहीं ना कहीं मिल पाऊँगा, हो सकता है रेवाड़ी में भी मिल जाऊँ अगर ज़्यादा जल्दी उठ गया तो। चलो डे वन यहीं ख़त्म करते हैं, अभी डे टू में सीधा मिलेंगे आपसे। सो भाई गुड मॉर्निंग, वैसे ये हमारा डे टू चल रहा है अभी गोल्डन टेम्पल मेल में। रात में मैं सो गया था भाई और अभी 8 बज चुके हैं और अभी आई थिंक हम लोग रेवाड़ी से जो रिंगस वाला सेक्शन है ना, हम वो लोग वहाँ पे, हम लोगों को उस सेक्शन से लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि जहाँ तक मैं नोटिस कर पा रूँ ये मिर्ज़ापुर बादछोर कोई रेलवे स्टेशन पे आके रुक रही है। जिस हिसाब से मैं बाहर देख पा रहा हूँ फॉग बहुत है और ठंड इतनी लग रही है ना मेरे को अभी। गाड़ी हमारी अभी मैं ये भी नहीं बोल सकता कि कितनी लेट है, क्योंकि देखा जाए तो इसका रूट ही पूरा अलग हुआ पड़ा है। अभी मिर्ज़ापुर बादछोर पे अगर रुकी है 8:05 हो रहे हैं सुबह के और फॉग क्या ही बोलूं यार। लेकिन अभी जिस हिसाब से डिले ही होगी एक तरह से जहां तक मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं, क्योंकि अब मैं ना एक तरह से टेंशन में आ चुका हूं, क्योंकि मेरे को ना कल सुबह 8 बजे जाके ना एक गाड़ी पकड़नी है मुंबई CST से और इसका एक्चुअल में टाइम है आज रात के 11:30 बजे। वैसे देखा जाए मैंने गोल्डन टेम्पल मेल जो प्रिडिक्ट मतलब जो वैसे मैंने 3-4 दिन से जो गोल्डन टेम्पल मेल मैं देख रहा हूँ अमृतसर से मुंबई सेंट्रल, वो 4-3 घंटा ऐसे लेट पहुँच रही है और वो तो मतलब डाइवर्ट भी नहीं थी, ये तो डाइवर्ट भी है, तो मुझे जहाँ तक लगता है 6 घंटा भी डिले हो सकती है। चलो 6 घंटा भी हो जाए नो डाउट मेरे को 5:30 उतार देगी, मैं पकड़ लूँगा आराम से। मेरे को बस ये है कि 6 बजे से पहले उतार देना सुबह, तो फिर थोड़ा सही हो जाएगा। चलो वैसे अभी 9 बजने को आता तो देखा कि मौसम पूरा क्लियर हो गया जाके, नहीं तो पहले तो पूरा फॉग ही फॉग था। अभी अंदर का तो चलो कुछ यही हाल था, साफ़ सफाई फिर भी चलो ठीक ठाक है। थोड़ी देर पहले मैं चाय वगैरह पी के बैठा था, अभी बैठा हूँ आराम से अंदर। तो नो डाउट अभी भी धूप चलो आ चुकी है, लेकिन ठंड मेरे को अभी भी फिर भी लग रही है, इसीलिए अभी मैं कंबल ओढ़ के ऐसे ही बैठा हूँ जाके के, क्योंकि कल रात भी ना मैंने देखा इसमें ना एक्चुअली प्रॉपर वेंटिलेशन मेरे को लग ही रहा, जैसे होता है ना एसी गाड़ियों में कि प्रॉपर अंदर से आइसोलेटेड पूरा वेंटिलेशन अंदर किया हुआ होता है हीटर का एक तरह से, इसमें मेरे को इतना फील ही नहीं हुआ। रात में फिर भी ठंड लग रही इतनी, तो मेरे को एक कंबल भी कम पड़ा, मेरे को लग रहा मैं तो दूसरा कंबल लेने लगा था, मतलब नींद मेरे को ज़्यादा आई नहीं इस वजह से। इनसे ये मत लिया करो सैंडविच वगैरह, सैंडविच मतलब वो जो पोहा आएगा वो फ्रेश बन रहा है, वो पेंट्री में बन के ही आएगा, अभी लेट हो गया ये लोग, वैसे इतना टाइम लगता नहीं है। अच्छा बाकी भैया आपने ये चाइना से आए हैं ना, अपने भाई ने बोला कि काफ़ी टाइम बाद, आप कितने टाइम बाद ट्रैवल कर रहे हो अभी ट्रेन में? 5 साल हो गए ट्रेन में ट्रैवल किए हुए, और भाई 5 साल बाद इंडिया आए हैं आज, कोविड के पहले से चाइना गए हुए उसके बाद अब आए हैं। अरे मैंने इनसे पूछा था चाइना का माहौल, बोल रहे थे वैसे नॉर्मल था वहाँ पर कोविड में, बाकी उस हिसाब से चलो बाकी इंटरनेशनल, चलो अब इंटरनेशनल सब्सक्राइबर भी हो गए हमारे। ये देखो भाई अभी ब्रेड कटलेट लिया है, ये देखो भैया ऐसा होता है कुछ, ये आलू के जो होता है ना ऐसा कुछ होता है ब्रेड कटलेट, ये देखो कुछ ऐसा ही होता है। हाँ केचप होता है इसमें, अगर आपको ऑमलेट खाना है ब्रेड ऑमलेट भी मिल जाएगा, पोहा खाना है तो पोहा दे, ब्रेड कटलेट होता है, कटलेट होता है ये। चलो बाकी मेरे को इनको पता नहीं था कि ब्रेड कटलेट होता क्या है। चलो अच्छा भूल गया, अच्छा खाया नहीं आपने, चलो अभी मेरे साथ ही टेस्ट कर लेना। मैं तो वैसे खा रहा था, मेरे को तो मतलब ठीक लगा, भैया आपको कैसा लगा? काफ़ी टाइम बाद आपने कटे, ठीक है ज़्यादा तीखा नहीं है, ये भी एक तरह से सैंडविच टाइप ही है।
लो भाई अभी 10 बजने को आ रहे हैं और मैंने अभी एक चीज़ नोटिस की है कि कल जो रहा वैब 7 था अभी वैग 9 लगाया हुआ है इन लोगों ने और रिंगस गाड़ी पहुंच रही है अपनी। अरे भैया रिंगस जंक्शन पे वैसे मैंने देखा, मैंने सोचा था कि यार गाड़ी कहीं ना कहीं शायद रुक जाए रिंगस पे, मगर इसका तो सिग्नल ही ऑलरेडी इन लोगों ने किया हुआ है ऑरेंज, नहीं रुकेगी अभी जहाँ तक मुझे लग रहा है। और रुक रही है गाड़ी यहाँ तक मुझे लग रहा है, चलो अच्छी बात है रुक रही है गाड़ी। चलो एक बात अच्छी है कि धूप आ चुकी है अच्छी खासी, नहीं तो सुबह मेरा बाहर आने का भी मुश्किल हो रहा था जहाँ पे मैं पिछले से कोई किसी पे खड़ा हुआ था। बाय द वे हम लोग राजस्थान में हैं अभी, वो तो चलो काफ़ी टाइम पहले से राजस्थान ही चल रहा है हमारा। कि अभी मेरे को ना ये तो अच्छा हुआ मेरे को पेंट्री है इस गाड़ी में, जो तो मेरे को कुछ मिलता ही ना खाने पीने का। अब सोचो अगर कोई और ट्रेन डाइवर्ट होती जिसमें पेंट्री कार नहीं है या ना ही ऑन बोर्ड केटरिंग है, सोचो कितना बुरा हाल होता। और ऑन बोर्ड केटरिंग भी उसका यहाँ से हो सकता है कम ही चढ़ना था, क्योंकि उसका रेगुलर रूट से ऑन बोर्ड केटरिंग का जो लोड होता है और इसका तो मतलब जो नॉर्मल ट्रेन है उसका तो होना भी नहीं था। रिंगस बेसिकली एक जंक्शन पॉइंट है, यहाँ से होता क्या कि एक लाइन सीकार से आ रही है, एक हमारी रेवाड़ी साइड से आ ही रही है, हम लोग जहाँ जाएंगे जयपुर साइड, और एक यहाँ से फुलेरा होते हुए सीधा आगे मतलब अहमदाबाद वाला रूट मेन लाइन ज्वाइन करती है जहाँ से बांद्रा चंडीगढ़ और दिल्ली सराय रोहिल्ला बांद्रा टर्मिनल जो वहाँ जहाँ से जाती है। 10 मिनट रुकने के बाद गाड़ी रिंगस जंक्शन से निकल चुकी है।
तो कुछ मिला नहीं, चलो अब जयपुर से ही उम्मीद है, जब तक थोड़ा रेडी वगैरह हो लेता हूँ। के करीब टाइम हो रहा है, अभी निंदर बनार पे आके खड़ी हुई, आई थिंक मैं सही से प्रोनाउंसिएट कर पा रहा हूँ स्टेशन का। बाकी आई थिंक कोई ट्रेन आनी होगी यहाँ पे, ये पैसेंजर भी काफ़ी खड़े हुए इस तरफ पे ट्रेन बोर्ड करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली। अब मेरे को ये नहीं पता कि ये गाड़ी है एक्चुअल में कितने घंटा लेट, लेकिन इतना पता कि ये लेट ज़रूर है जितना अभी मैं सोच पा रहा हूँ। देखो जयपुर आने में, वैसे जयपुर तो चलो आधे घंटे तक पहुँच जाएगी अगर ये चली, तो मान के चलो 11:15 या फिर 11:30 तक जयपुर भी अगर पहुंचती है, तो वहाँ से फिर आप मान के चलो 1:30 बजा देगी ये सवाई माधोपुर में, और फिर 3 इसने बजा देने कोटा के लिए। थोड़ा बहुत अभी भी होप है कि मैं कल वाली ट्रेन पकड़ पाऊँगा, कल जो मैंने 8 बजे मुंबई CST से पकड़नी है, वही उद्यान एक्सप्रेस। यहाँ का व्यू मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, उस हिसाब से ऐसे पहाड़ वगैरह हैं, लोकेशन अच्छी जो भी हो। देख लो भाई, यही थी भाई कुछ MEMU ट्रेन, DEMU आई थिंक कोई, इसी के लिए हम लोगों को इतनी देर रोका हुआ था, कम से कम 15-20 मिनट हो गए हमको यहाँ रुके हुए। इसको लगभग आधे घंटे से ऊपर टाइम हो गया, DEMU तो चली गई थी, अब ये जयपुर बठिंडा एक्सप्रेस आई है, इतनी देर से इसको रोका हुआ है यहाँ पे, अभी 11:30 हो चुके हैं अभी। भाई इससे पहले तक तो क्रॉसिंग ही हो रही थी, अब हमारी रोक के इसको आगे निकल आया जा रहा। देख लो भाई, अभी 12:30 के करीब टाइम हो रहा है, ये गाड़ी यहाँ पे 10:45 पे आई थी और अब जाके निकल रही है निंदार बह बनार, ऐसे कुछ रेलवे स्टेशन है यार, और पीछे हमारे एक और गाड़ी आ रही है। वैसे चलो हम ये शुक्र है यहाँ से तो निकली अब गाड़ी, जो मेरे को डर था ना सुबह से, अब मेरा वो डर मुझे लग रहा है कि वो सच में हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी अप्रॉक्स जितना मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ 7 घंटा तो डिले है ही है। अब यहाँ से सवाई माधोपुर भी मान के चलो ये 2 तो बजाई देगी, वैसे 8 बजे के करीब का टाइम था इसका सवाई माधोपुर का। अब लेट्स सी कि मैं कल वाली गाड़ी पकड़ पाऊँगा या नहीं पकड़ पाऊँगा, चांसेस कम है। ओ भाई डहर का बालाजी पे भी इसको पिछले 20-25 मिनट से रोका था इस ट्रेन के लिए। ये है जयपुर श्री गंगानगर, जब तक ये नहीं जाएगी तब तक हमारी नहीं चलेगी। फिर ट्रेन पूरी फुली भरी हुई है भाई, इसका जनरल पूरा पैक्ड है। भाई अभी 1:22 हो रहे हैं और अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 7.5 से 8 घंटे के बीच में डिले है ये गाड़ी, और अब आई है जयपुर जंक्शन पे। जयपुर स्टेशन कोड JP है, पिंक सिटी है भाई, अभी दिल्ली से लेकर के अहमदाबाद रूट में का एक मेन स्टेशन आप इसको कह सकते हो। वैसे जिस हिसाब से आई है इसमें कोई चढ़ने वाला तो है नहीं, इसलिए प्लेटफॉर्म अभी खाली पड़ा था, जो लोग भी लोग बस उतर ही रहे हैं अपने लिए कुछ देखने के लिए। उस साइड पे 4 नंबर पे गंगौर एक्सप्रेस भी लगी है, इसमें 2 बजे निकलना है, हो सकता है ये इसको हमारे से आगे निकाल दिया जाए, क्योंकि ये तो राइट निकलेगी, हमारी ही डिले है अभी। तो पहले लगा था कि इस गाड़ी का ना जयपुर पे भी रिवर्सल होगा, अभी तो नहीं, जब क्योंकि अगर ये रिंगस होकर ना आती, अगर नॉर्मल रूट से आती ना अलवर होकर,
हो सकता है इसका यहाँ से रिवर्सल लेते लगे ना, जिस हिसाब से आई है इसका रिवर्सल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब तो। मैंने देखा वैसे समोसे वाले भैया की चांदी चांदी है, हर कोई पैसेंजर आ रहा है, उधर आगे वाले एसी कोच से इनके पास लोग आ रहे हैं समोसे लेने के लिए। वैसे यहाँ तो ज़्यादा रुकी नहीं, मुश्किल से 10 मिनट रुकी होगी और निकली है जयपुर से। अभी भी देखोगे तो सब लोग यहीं पे बैठ के खा रहे हैं समोसे वगैरह। चलो अभी निकल रहे। जो ट्रैक्स हैं अब ये सीधा अलवर होके जाएंगे दिल्ली साइड रेवाड़ी होते हुए, और हम लोग इधर सवाई माधोपुर तुगनपुरा होते हुए जाएंगे। बाकी चलो जयपुर से मैंने भी समोसे खाए थे जयपुर से, बाकी चलो मैंने भी जयपुर से समोसे लिए थे ऐसे ही 20 के 2 दिन उन लोगों ने। ऐसे ही है कि चलो ज़्यादा ठंडे नहीं है, थोड़े बहुत गर्म ही है। भाई 2:30 बजे से भी ऊपर टाइम हो गया, और अब जाके वो लोग हमको स्टैंडर्ड वेज मील अब जाके दे के गए, और अभी भी रोटी देनी है उन लोगों ने। रोटी बोल रहे कि अभी थोड़ी देर में आके पकड़ा के जाते हैं आपको। तो वैसे रोटी तो इन लोगों ने ठंडी ही दी है एक तरह से, अभी उनका भी वेज मील था, मेरा भी स्टैंडर्ड वेज मील था। देख लो भैया यही सब कुछ मिला है फर्स्ट इंप्रेशन में देखा जाए तो, सूखे आलू की सब्जी एक तरह से, और इस साइड में दाल मिलेगी आपको, चावल पानी है एक तरह से हम मान लो, और आधी दाल तो इधर ही गिर गई है। मेरा भी मुझे लगता है ऐसा ही कुछ हाल होगा, कुछ देखने में भी कुछ खास नहीं लग रहा मेरे को तो, और इसको देखकर तो पता नहीं क्या अजीब सी फीलिंग आ रही है एक तरह से। दाल है बस यही है, दाल सब्जी बोला था, सब्जी मतलब ये आलू का ही मतलब सूखा एक तरह से झोल कह लो इसको, और पिकल मिल जाएगा बाकी आपको, और एक चावल मिल जाएंगे आपको। चावल फिर भी मेरे को ठीक ठाक लग रहे हैं जिस हिसाब से देखा मैंने। तो भाई मैंने वैसे खा लिया, मेरे से अब और तो खाया नहीं जा रहा। मान कर लो सबसे जो बेकार जो खाना अभी तक का मैंने किसी ट्रेन के पैंट्री में से खाया वो इसको कह सकते हो आप तो। कुछ भी मतलब खाने लायक तो मेरे को लग ही नहीं रहा। दाल तो चलो ख़त्म होगी, वो ठीक ठाक थी चलो, और ये सब्ज़ी तो मेरे से खाई भी नहीं जा रही थी, और सब्ज़ी अब बची नहीं तो चावल भी नहीं खा पाऊँगा, और रोटी तो मतलब इतनी थी हार्ड थी, ठंडी देती थी इन लोगों ने, कुछ खास नहीं थी। तो लो भाई अप्रॉक्सीमेटली 7 घंटा लेट है ये गाड़ी, अभी पहुँच रही है सवाई माधोपुर। अम्बाला कैंट के बाद इसका अब जाके कोई रेगुलर स्टॉप आया है एक्चुअल में, तो उसके बाद से डाइवर्ट ही थी। चलो अभी 3:25 हो रहे हैं, देखा जाए तो इसका सुबह 8:20 का टाइम था यहाँ पे सवाई माधोपुर पे एक्चुअल में। अभी मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे को लग रहा है ये मोटा मोटा 7 घंटा लेट है, लेकिन अगर ये आधा घंटा भी कवर कर जाए तो मैं कल वाली ट्रेन पकड़ सकता हूँ आराम से। देखो अगर मैं 11:30 से काउंट करूँ तो 6 बजे के करीब इसका टाइम बन रहा है मुंबई सेंट्रल का कल सुबह, तो फिर भी ठीक है। अगर मेरे को 6:30 भी उतारे यार तो फिर भी क्या रिस्क है, मतलब आराम से पकड़ लूँगा ना मैं गाड़ी कल। वैसे भी और हाँ ये थोड़ा रिस्क है कि मेरे को जाना CSMT पड़ेगा वहाँ से मुंबई सेंट्रल से। चलो देखते हैं, बाकी यहाँ पे मूंग दाल के पकौड़े तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। मैं एक्चुअली मैं जा रहा हूँ आगे लोको देखने, इवन दो आपको यहाँ पे कटे हुए अमरूद भी मिल जाएंगे, मसाला लगा के देंगे आपको, चाहो तो ये भी ले सकते हो सवाई माधोपुर से। मैं तो ऐसे आगे आया था, इसका स्लीपर भी मैंने देखा अभी ज़्यादा कुछ भरा है नहीं, ठीक है फिर भी ठीक ठाक ऑक्यूपाइड है, काफ़ी सीट्स खाली पड़ी है।
और इधर तो साइड लोअर ये पूरा खाली खाली पड़ा है अभी, ये तो लगभग कोच अभी भी खाली पड़े हुए हैं। आई थिंक शायद डाइवर्ट ट्रेन है तो उस वजह से खाली पड़ा हो इसका। इसके जो जनरल कोच है ना वो दोनों इस साइड पर लगे हैं, नहीं तो वैसे होता क्या, नॉर्मली इसका जो एक जनरल है वो एक एंड पे होता है और दूसरा जनरल उस साइड पे होता है, लेकिन आगे की साइड में मैंने देखा सिर्फ एक ऐसा ला रही है, उसके बाद एसी के कोचेज शुरू हो रहे हैं, तो इसका कोच कॉम्पोजिशन टोटली डिफरेंट है। और एक तरफ SLR भी होता है और बेसिकली एक तरफ ना इसका वो पार्सल वाला कोच भी होता है LHB, दोनों ही तरफ अभी फिलहाल इसका पार्सल वाला कोच अभी नहीं दिख रहा मेरे को। वाई माधोपुर स्टेशन कोड SWM, बेसिकली ये आता है दिल्ली मुंबई मेन लाइन पे, जो बेसिकली वडोदरा होके जाती है, कोटा वडोदरा, और दिल्ली से कोटा के बीच में आने वाला ये मेन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन है। यहाँ से जैसे हम लोग जयपुर से आ रहे हैं तो वो रूट अलग हो जाता है, और मतलब दिल्ली और कोटा वाली साइड तो चलो दो लाइनें अलग गई हुई हैं। तो लो यार लोकोमोटिव चेंज हो गया, रिवर्सल भी हो गया, और अच्छी बात है वेब से अमन लगा, अब 130 खींच देगा यहाँ से, और मेरे थोड़े बहुत चांस हैं अगली गाड़ी पकड़ने के। बढ़िया है, अब पीछे चलता हूँ, वैसे भी मैं भाग कर आया हूँ आगे, एक बार दोबारा दूसरा राउंड लगा ये मेरा यहाँ पे। चलो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, मतलब पता है यार जर्नी तो एंड टू एंड ही करूँगा, पार्ट वन यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, मिल दूंगा अगले पार्ट में, इसमें पता चलेगा कि मैं अगली गाड़ी पकड़ पाता हूँ कि नहीं। अच्छी लगी लाइक कर देना, आप ही की डिमांड पर ये वीडियो बनाई थी। चलो मिलते हैं अगले पार्ट में, चल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।